दुपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपाकरण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमांडूक विद्युत वितरण प्रणाली के भूमिगत करवा कार्य आई से शुरू। 32 महीना भीतर महाराजगंज आ मध्य क्षेत्र रत्न पार्क वितरण केंद्र के तार भूमिगत करवा की योजना। बलात्कारक अभियोग में पूर्व पक्ष के लिए कैद में रहल पूर्व सभामुख महरा विरुद्ध बहस समाप्त, फैसला आय हो। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार के भेल दू वर्ष पूरा। प्रतिपक्ष तथा सत्य पक्ष के सांसद द्वारा प्रदेश सरकार देशे के कमजोर सरकार रहल आरोप। जापानक तट में रोकल गेल पानी जहाज से अमेरिका केलक अपन नागरिक के उद्धार। जहाज में 40 अमेरिकी कोविड-19 के संक्रमण भेल पुष्टि। सरकार आई से काठमांडू के विद्युत वितरण प्रणाली के भूमिगत करबाक काज शुरू करत। आई एक समारोह के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली महाराजगंज से विद्युत वितरण तार भूमिगत करबाक काज के शुरुआत कलने। तार भूमिगत करबाक हेतु प्राधिकरण सड़क प्रयोग करबाक तथा ओ के पुनर्स्थापना सेहो करबाक समझदारी क काज शुरू कयल जा रहल विद्युत प्राधिकरण जनौलक। प्राधिकरण के पहल चरण में 507 किलोमीटर में मात्र काज करबाक अनुमति देल गेल अछि। आबयवला 32 महीना भीतर पहल चरण में काठमांडूक उत्तरी क्षेत्र महाराजगंज तथा मध्य क्षेत्र रत्न पार्क वितरण केंद्र अंतर्गत तार भूमिगत करबाक योजना अछि। दुर्घटना के जोखिम न्यूनीकरण करबाक हेतु प्राधिकरण विद्युत वितरण तार के भूमिगत कऽ रहल अछि। काठमांडू के पूर्व तथा दक्षिण में स्थित बाग बाजार, असन, दरबार मार्ग सहित रत्न पार्क वितरण केंद्र द्वारा समेटल गेल क्षेत्र आ मध्य तथा उत्तर में बालुआटार, गंगबू, शामा, खुशी सहित महाराजगंज वितरण केंद्र अंतर्गत के क्षेत्र में विद्युत वितरण प्रणाली के भूमिगत तथा स्वचालित कयल जा रहल अछि। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा विरुद्ध के मुद्दा के अंतिम सुनवाई समाप्त भेलाक बादो आइए फैसला सुनाओल जात। महरा ऊपर बलात्कार उद्योग कसूर संबंधी लागल मुद्दा ऊपर काठमांडू जिला अदालत में रवि दिन अंतिम बहस समाप्त भेल छल। मुदा समय के अभाव के कारण फैसला सुनेबा काज आजुक लेल तय कयल गेल अछि। रवि दिन जिला न्यायाधीश अंबर राज पोडेल के इजलास में अंतिम सुनवाई सम्पन्न भेल अछि। महराक पक्ष से रमण श्रेष्ठ, शेर बहादुर केशी, लव मैनाली, दिनमणि पोखरेल, भीमा अर्जुन आचार्य सहितक वकील सब आ सरकारी पक्ष से उमाकांत खनाल सहितक वकील सब बहस केने छल। संघीय संसद के सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी ऊपर बलात्कार के प्रयास केलाक अभियोग में महरा विरुद्ध जिला अदालत काठमांडू में मुद्दा दर्ता भेल छल। महरा के बीतल कार्तिक 18 से पूर्व पक्ष के लेल कैद में राखल गेल अछि। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार गठन भेल आय दू वर्ष पूरा भेल। सरकार एहि अवधि के संघीयताक जग राखबाक आ कानून निर्माण के वर्ष के रूप में उत्सव मना रहल अछि। मुदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार देशे के कमजोर सरकार रहल आरोप लगौलक अछि। सुदूर पश्चिम सरकार गठन भेल आइ दू वर्ष पूरा भेल अछि। एहि अवधि में सरकार संघीयताक जग मजबूत बनेबाक काज भेल दावी कयने अछि। मुदा इम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभा सदस्य कर्ण बहादुर मल्ल प्रदेश सरकार के दू वर्ष अकर्मण्यता तथा अपारदर्शिता में बीतल आरोप लगौलनि अछि। अकर्मण्यता में बीतेको छ, अपारदर्शिता में बीतेको छ, जनता विरुद्ध पूर्ण रूप में जवाबदेही हीन ढंगले बीतेको छ, पूर्ण रूप में भ्रष्ट सरकार को संघीयकरणमा बीतेको छ, शांति सुरक्षा को नाव में यह सरकार ने यहाँ का जनप्रतिनिधि सुरक्षा दिन ल्याकत देखाएको छ। त्यो कारण यो दुई वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश को सरकार सुदूरपश्चिम को समृद्धि शांति र यहाँ को सामाजिक परिवर्तन को नाव में पूर्ण रूप में शून्य गति में यह सरकार चलायमान भयो। राष्ट्रीय जनता पार्टी प्रदेश सभा सदस्य मालामती राणा सरकार बिजनेस नै द सकलाक कारण 5-5 महीना धरि सांसद सबके बंधक बना कर रखने आरोप लगौलनि अछि। दुई तहको सरकारले चाहिँ धेरै अंक प्राप्त गर्ने जस्तो हामीले बुझेका थियौँ, तर यो सरकारको काम हेर्दाखेरि बढीमा बढी तपाईँको 15-20% भन्न बढी दिन सकिन्न।
प्रतिपक्षी दल के प्रदेश सभा सदस्य सब मात्र नै सत्ता पक्ष के प्रदेश सभा सदस्य समेत सरकारक कार्य सँ संतुष्ट नै भ सकल अछि। पश्चिम प्रदेश सरकार एकदमै काम को लागि गति लिनु पर्ने अति नै आवश्यक छ र जनता को आकांक्षा अनुसार ले काम गर्नु पर्ने देखिएको हुनाले सरकार ले गति लिनै पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अझ पनि आशा छ सरकारले काम गर्छ भन्ने आशा छ। प्रदेश सरकार बितल दु वर्षक अवधि में एकटा गाड़ी मात्र में करोड़ों खर्च के ने देखल गेल अछि। कर्मचारी विषयगत समिति के सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता सब मंत्री मुख्यमंत्री के प्रयोजनक लेल 70 लाख से 1.5 करोड़ धरि विनियोजित कैल गेल रकम एकटा विलासी गाड़ी खरीद कलाक पश्चात आलोचित होइत आयल अछि। मुदा मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काज आयल दावी कलनि अछि। बजेट में स्पष्ट राखेका छौं हामीले स्वास्थ्य में हामी के गर्न चाहन्छौं, शिक्षा में के गर्न चाहन्छौं, कृषि में हामी के गर्न चाहन्छौं। कृषि को सबैलाई थाहा छ 88 वटा स्थानीय तह में अहिले मुख्यमंत्री कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रम संचालन में अगाडी बढिराखेको छ। कोरिडोर को रूपबाट पर्यटन को विकास गर्नुपर्छ भनेर 5 वटा कोरिडोर को अध्ययन प्रक्रिया अहिले अगाडि बढिराखेको छ। प्रदेश सभा सचिवालय के अनुसार हाल धरि 32 विधेयक पारित भेलैस त 5 टा संसद में विचार विमर्श के लेल दर्ता कैल गेल अछि। धनगढ़ी सँ लखन चौधरी के रिपोर्ट। सप्तरी के बोधे बरसाई नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित जाजर में आयोजना कैल गेल इस्लामिक धार्मिक सम्मेलन इज्तिमा में सहभागी होबाक लेल आयल दू भारतीय नागरिक के मृत्यु भेल अछि। शनि दिन सँ शुरू भेल सम्मेलन में सहभागी होबाक लेल आयल बिहार मोतिहारी ग्राम के 74 वर्षक हारून रसिक आ दोसर वीरपुर के एक व्यक्ति सहित दू गोटे के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरीक प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक तिलक भारती हृदयघात के कारण दुनू गोटे के मृत्यु भेल बतौलनि अछि। सोम दिन धरि जारी रहय वाला सम्मेलन में नेपाल भारतक करीब 3 लाख मुस्लिम समुदाय के सहभागिता रहल अछि। सम्मेलन में भारतक नया दिल्ली के विश्व साध साहब जमात के अध्यक्ष धर्मगुरु मौलाना साध साहब, नेपाली जमात के अध्यक्ष मोहम्मद निशारुद्दीन सहितक धर्मगुरु सब द्वारा प्रवचन वाचन कैल जा रहल अछि। भूमि मंत्री पद्मा अर्याल सरकारी जमीन में नजर रखनिहार सबके कोनो हालत में नहीं छोड़बाक कहलनि अछि। काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 31 अंतर्गत के जमीन में सरकारी बोर्ड राखलाक बाद मंत्री अर्याल एहि प्रकारक चेतावनी देलनि अछि। सार्वजनिक तथा सरकारी जमीन व्यक्ति विशेष के बनेबाक मनसाई रखनाय असहनीय बात भेल हुनकर कहब छनि। एखन धरि सरकार देश के विविध स्थान में 264 बीघा जमीन व्यक्तिक नाम सँ सरकार के नाम में दर्ता कऽ चुकल उल्लेख करैत अर्याल रवि दिन उपत्यकाक 3 स्थान में अतिक्रमण में पड़ल जमीन में सरकारी बोर्ड राखबाक बतौलनि अछि। सरकारी जब्दहरू अब व्यक्ति विशेष का नाम में हिज दर्ता भए अब हुँदैन। हामी कोही मानिसहरूलाई गलत मनसायका साथ दूषित कार्यका साथ सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको बनाउने कुरामा मनसाय राखेर कसैले पनि अब सरकारी जग्गामा आँखा लगाउन पाइँदैन, आँखा नलगाइयोस् हामी बाँकी छोड्दैनौँ भन्ने उद्घोष गरेर हामी अगाडि बसिरहेको। मंत्रालय रवि दिन काठमांडू महानगर के वार्ड नंबर 31 में रहल कित्ता नंबर 376, 18, 375, 286, 288 का कुल 5,347.51 वर्ग किलोमीटर अतिक्रमित जमीन में सरकारी बोर्ड राखल गेल अछि। सोन के दाम पुनः रिकॉर्ड के बिंदु में पहुंचल। छापा वाला सोन प्रति तोला 76,500 रुपया में कारोबार भ रिकॉर्ड के बिंदु में पहुंचल। इस पहिने पूछ 23 कते, माघ 19 कते आ 20 कते सेहो सोन के दाम 76,500 रुपया के खरीद बिक्री भेल छल। तेजाबी सोन प्रति तोला 76,200 रुपया में खरीद बिक्री भेल अछि। चांदी के दाम सेहो तोला में 5 रुपया से बढ़कर प्रति तोला 885 रुपया में कारोबार कैल गेल महासंघ जनौलक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार फेर सँ एक बेर।
काठमाडौँ के विद्युत वितरण प्रणाली के भूमिगत करबाक कार्य आइसँ शुरू 32 महीना भीतर महाराजगंज आ मध्य क्षेत्र रत्नपार्क वितरण केन्द्र के तार भूमिगत करबाक योजना। बलात्कारक अभियोग में पूर्व पक्ष के लिए कैद में रहल पूर्व सभामुख महरा विरुद्ध बहस समाप्त, फैसला आय हो। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार के भेल दो वर्ष पूरा, प्रतिपक्षी तथा सत्य पक्ष के सांसद द्वारा प्रदेश सरकार देशे के कमजोर सरकार रहल आरोप। जापानक तट में रोकल गेल पानी जहाज से अमेरिका केलक अपन नागरिक के उद्धार, जहाज में रहल 40 अमेरिकी में कोविड-19 के संक्रमण भेल पुष्टि। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के अन्य कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ा देख सकै छी। सूचना में अपने सभक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सभक प्रतिबद्धता। नमस्कार।